अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक ही होंगे। आज का जो यार हमारा टॉपिक है वो है शर्ट के हवाले से आपको तमाम बस विजिट कराने का। आज हमारा इंशाल्लाह ताला इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ से बर्ड्स आपको दिखाते हैं जो हमने लगाए हुए हैं, वो सब एक साथ दिखाते हैं। आपको पिछली वीडियो में दिखाया है जिनसे बर्ड्स में टुकड़ों टुकड़ों में दिखाया है, जैसे आपको सिर्फ डब की वीडियो दिखाई है, पिंचों की दिखाई है, इसी तरह फिशर की दिखाई है, फिर आपको दिखाई है कि जावा की दिखाई है। इसी तो अब आपको पूरा शेड आपको हम विजिट कराते हैं। इसी तरह आपको जो हमारे पास तमाम बर्ड्स लगे हुए वो आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये देखें, अब आगे आप इधर, ये हमने डायमंड का पियर लगाया हुआ। अब इसमें चिक्स आए हुए। अब इसी तरह आप नीचे आ जाएं, ये हमने लगाया हुआ एक जावा का पियर। ये पियर देखें आप जावा का। इसी तरह आप और नीचे आ जाए, ये देखें आप, ये भी हमने जावा का पियर लगाया हुआ है। इसी तरह नीचे हमने ये भी एक जावा का पियर लगाया हुआ है। तो हमारे जावा के कुछ पियर इधर लगे हुए हैं दोस्तों, इसी तरह कुछ पियर हमारे उस तरफ लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ हमारे को जगह मिलती गई है हमने वहाँ सेट कर दिया। अब ये हमारा एक रेड पाइट का, ये देखें आप, ये पियर लगा हुआ, ये देखें। अब ये देखें, इसी तरह हमारा ये एक और पियर लगा हुआ है, ये वाइट पाइट है, इसमें भी दो चिक्स आए हैं। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, ये नीचे हमारे पास एक डायमंड का पियर लगा हुआ है, इसमें भी चिक्स आया हुआ है। इसी तरह दोस्तों हमने एक ये बेंगलाइज का पियर लगाया हुआ, चिक्स निकाले हैं, वो अलग कर दिए। इंशाल्लाह जैसी चिक्स आते हैं तो वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं। अब इसी तरह आप आ जाएं यहाँ पे, एक हमने रेड का पियर लगाया हुआ, ये देखें, इसमें भी एक चिक्स है। अब इसी तरह इससे नीचे आप चले जाएँ, ये देखें डब का पियर लगाया हुआ है सिल्वर में। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, ये हमने रेड का पियर लगाया हुआ है, इसमें भी जैसे एक लेग होते हैं तो वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं। नीचे सिल्वर का एक पियर लगा हुआ है, इसमें भी दोस्तों दो चिक्स आए हैं, ये देखें। इसी तरह दोस्तों हमने ये डायमंड डफो का जो है वो मोटिशन है लगाई हुई अपने पास, जिसमें रेड पाइट है और वाइट पाइट है और ये कॉमन लगाए हुए। इंशाल्लाह ये वर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे हमने लगाए तो 15 पियर थे, तो इस हिसाब से हमारी चॉइस में जो है पीछे ये हमारे पास 9 पियर बचे जो हमने अपने घर के लिए रखना थे, और बाकी जो हमारे पास थे बाकी पियर जो हमें समझ नहीं आ रहे थे तो वो हमने मार्केट में सेल कर दी। तो इसी तरह हमारा ये आप आ गए हैं आगे, ये पिंचों का सेट हमारा एक पियर है पिंच का, इसमें 4 चिक्स निकाले हुए हैं, चारों बाहर हुए हैं। इंशाल्लाह इनको जैसे ही अलग करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। नीचे आ जाएं, इसमें भी चिक्स हैं, अभी छोटे हैं, इससे नीचे बड़े आएंगे चिक्स, ये भी बाहर आ गए। ये देखें आप लोग, ये मोटिशन फेंकी है इन्होंने। अब ये कौन सी मोटिशन है, थोड़े बड़े होते हैं चिक्स तो फिर पता चलता है। इसी तरह ये नीचे भी हमारे पास आए हुए चिक्स, छोटे हैं तो ये आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, तो अभी इंशाल्लाह जैसे बड़े होते हैं बाहर आते हैं अंडियों से तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें एक पियर ये है पिंचों का हमारे पास, इसी तरह ये भी पियर है पिंचों का, इसमें भी 4 चिक्स हैं, जैसे ये बाहर आते हैं तो अंडियों से वो भी आपको दिखाते हैं। ये इधर एक और पियर है, इसमें भी चिक्स हैं, तो ये बाहर आते हैं अंडियों से तो ये भी दिखाते हैं। ये देखें ये भी पियर लगाया हुआ है हमने, ये देखें इसकी क्वालिटियाँ देखें बर्ड्स की, हमने छाट छाट के लगाए हुए। अब आगे आ जाएँ, इसी तरह हमारे पास ये भी पियर है पिंचों का, तमाम इसमें लगाई हुई हमने पिंचे। अब इधर आ जाएँ, ये भी पिंचे लगाई हुई हमने पियर, ये देखें ये भी एक पिंचों का पियर है। इसी तरह यहाँ पे भी एक पिंचों का पियर लगाया हुआ हमने, ये भी एक पियर है पिंचों का। इसी तरह नीचे देखें आप, ये इधर भी एक पियर लगाया हुआ हमने पिंचों का, अच्छी मोटिशन है देख के लगाई है। अब ये भी पियर लगाया हुआ हमने एक पिंचों का। इसी तरह आप आ जाएं, ये भी पियर है पिंचों का, ये भी हमारा एक पियर है पिंचों का,
तो ये भी हमने एक पेयर लगाया हुआ है, ये देखें इसको आप। इसी तरह दोस्तों ये हमारा सेटअप फिंचों का है, वो डब का था, तो अभी हमने फिंचे लगाई हैं, 18 पेयर लगाए हैं, अभी हम वर्क कर रहे हैं इनमें। जो हमारे पास मोटिशन अच्छी चलेगी, जिसके चिक्स अच्छे आएंगे, तो वो हम अपने पास रोकेंगे और फिर इनको कॉलोनी में हम लोग सेटिंग करेंगे, जैसे हमारे को बर्ड समझ में आता रहेगा। अभी आपको बताने का मतलब ये है कि अभी हम गेज बाई गेज काम कर रहे हैं बर्ड्स के ऊपर, जैसे जैसे इनकी ब्रेड लाइन हमें पता चलती है, क्योंकि हमने ये मुख्तलिफ सेटअपों से उठाए, मुख्तलिफ लोगों से हमने ये सब परचेज करें, तो इसका ये मतलब होता है मुख्तलिफ लोगों से आप परचेज करें बर्ड, तो उसमें हर तरह की ब्रेड लाइन आपके सेट में आ जाती है। अब आप उसके ऊपर वर्क करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमने जहाँ तक कोशिश करी अपने सेटने की और चलाने की, तो हमने अपने हिसाब से कराएगा, बाकी अल्लाह फेर करेगा इंशाल्लाह जैसे जैसे फिरा। अब इसी तरह आप आगे आ जाए, ये देखें इस तरफ हमने लगाए हुए ये फिशर लगाए हुए, ये पियर है हमारा एक फिशर का, इसके बराबर में एक और पियर लगाया हुआ हमने फिशर का। अब इससे नीचे आप चले जाएं, ये एक और फिशर का पियर लगाया हुआ हमने पियर, इस ये सब हमने वर्किंग के लिए लगाए हुए। इसी तरह आप आगे आ जाएं, तो ये हमारे पास जगह यहाँ पे खाली थी, तो हमने इसमें एक फिशर का पियर लगाया हुआ है। अभी इसमें जैसे जैसे कवरेज आती है, तो वो भी आप दोस्तों से शेयर करते हैं। इनको लगाने का अलग अलग, अब यहाँ पे हमारे पास जगह खाली थी, तो हमने ये एक पियर लगाया फिशर का, ये देखें। अब आपको ये हमने सिर्फ इसलिए फिशर लगाए हुए हैं कि इनसे हमें आगे चल के वर्किंग लेना है, इनसे काम लेना है, तो अभी हम इनको ये चेक करें कि इनमें कौन सा बर्ड्स है जो बच्चे अच्छे पाल रहा है, उनको सर्वाइव करवा रहा है, उनका केयर कर रहा है, तो इस वजह से हमने ये फिशर लगाए हुए हैं। अब हमारा इधर आ जाए, हम अल्बाइनो लगाए हुए हमने पियर, अब अल्बाइनो पियर जो लगाए हुए हमने, एक पियर ये लगा हुआ है हमारे पास रेड आई का, इसी तरह यहाँ पे एक पियर लगाया हुआ है हमने रेड आई का, ये नीचे हमने एक और पियर लगाया हुआ रेड आई का, इधर लगाया हुआ हमने ब्लैक आई है स्प्रिट रेड आई के, ये देखें। अब एक हमारे पास यहाँ जगह खाली थी, तो हमने ये लगाया पियर स्प्रिट है, ब्लैक आई है लेकिन रेड आई का स्प्रिट है। अब ये आप इनको हमने इसलिए लगाया कि हमारी आगे की वर्किंग जो है हमारी सारी अल्बाइनों पे होना है, क्योंकि अगर हमने बार ब्लू डालना है तो उसके साथ हमें अल्बाइनो डालना पड़ेगा, तो इसी तरह हमने जो भी मोटिशन डालना है, तो हमने सोचा है कि पहले हम अपने घर पे अल्बाइनो की वर्किंग करें, फिर उनसे चिक्स हासिल करें, फिर नेक्स्ट सीजन के अंदर अपने घर का एक बर्ड लें, एक बाहर से बर्ड खरीदें और फिर उनको आएँ मोटिशन के तौर पे, तो उनमें से जो भी चिक्स आएंगे फिर वो भी आपको दिखाएंगे जो हमारी वर्क है, हम मेहनत कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे लगाया हुआ है जावा, ये हमारे पास पहला पियर है जावा का, सिल्वर जावा है, ये देखें। अब ये ऊपर दूसरा पियर है, ये भी जावा का है सिल्वर है, इन सब ने नेस्टिंग करी हुई है, अंडे भी है इनमें, जैसे जैसे चिक्स आते हैं। अब यहाँ पे आ जाएं आप, ये वाइट का हमने पियर लगाया हुआ है जावा में, इसी तरह ये नीचे हमने एक और पियर लगाया हुआ है वाइट का जावा का, और ये नीचे भी हमने एक पियर लगाया हुआ है, इसमें एक चिक्स भी आया हुआ है फर्स्ट ब्रीड के दोस्तों। इसी तरह ये नीचे है हमने एक पियर लगाया हुआ है, इसमें देखें जैसे थोड़े बड़े होते हैं, तो वो भी आप दोस्तों को दिखाते हैं। हमारे पास हंडियाएँ लगी हुई हैं, थोड़ी सी हमें परेशानी हो रही है अंडियों में कि आप लोगों को सेटअप दिखाने में। अब ये हमने एक पियर लगाया हुआ, ये स्प्रिट है वाइट और ग्रे का, तो इसने एक बच्चा वाइट फेंकाएगा और एक बच्चा ग्रे फेंका है, तो इस ये भी अच्छी मो। अब ये एक हमने एक वाइट का, ये देखें आप, ये भी पियर लगाया हुआ है हमने। इसी तरह ये नीचे भी हमने एक सिल्वर और वाइट का लगाया हुआ है, इसमें भी चिक्स आए हुए छोटे, इंशाल्लाह जैसे ही बड़े होते हैं तो वो भी आपको। अब ये नीचे हमने एक फोन लगाया हुआ है, फोन का ये फोन जावा का, ये एक है कि इंशाल्लाह ताला इसने अभी नेस्टिंग स्टार्ट नहीं करी है, जैसे जैसे ये नेस्टिंग स्टार्ट कर रही है वो भी आपको दिखाएंगे इसके भी चिक्स। ये बेहतरीन पियर है, अब मैंने तमाम मोटिशनें लगाई हुई हैं जावा में भी। अब जावा में ये मोटिशन इसलिए लगाई हुई है मैंने कि मुझे आगे काम करने में, वर्क करने में आसानी हो,
अब मेरे घर पे रेड आई भी बर्ड्स लगा हुआ है जावा में, तो इससे ये बहुत आसानी रहती है कि आपको बाहर से नहीं खरीदना पड़ रहा, क्योंकि ये आपके घर की चिक्स हैं। अब आप आगे इनसे जो मोटिशन है बनाना चाहें, आप जो वर्क करना चाहें, आपको आसानी होगी। तो दोस्तों ये हमारा पूरा सेटअप है। अब हमने ये गेज लगाया हुआ है, अब ये हमारे पास जो भी चिक्स निकल रहे हैं डफों के वो हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक, शिफ्ट कर दिया है। ये बेंगलाइज के चिक्स हैं, इनको चार चिक्स निकले थे, वो पियर तो आपने देखा है तो उसके चिक्स थे, तो हमने यहाँ पे इन्हें शिफ्ट कर दिया है। तो इसी तरह हमने दोस्तों ये गेज इसीलिए रखा हुआ है कि इसमें जो जो चिक्स निकलते रहेंगे वो यहाँ पे हम उनको, अब ये हमारे पास एक नर रहेगा, ये हम खरीद के लेके आए थे, तो अभी इसके लिए हम मादा देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही मादा इसकी अरेंज होती है तो इसको लगाएंगे हम पियर के तौर पे, तो फिर आपको इसका भी रिजल्ट दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको बताने का मतलब ये है कि हमारे पास जगह बहुत है, ये सब बर्ड्स के लिए हमने जगह बनाई है, पूरा शेड बनाया है। तो अभी जैसे जैसे हमारे पास आगे चल के नेक्स्ट सीजन के अंदर हमारी कोशिश है, और इसी सीजन में कोशिश है कि जो जो हमें अच्छा बर्ड्स मिलता रहता है वो अपने सेटअप पे ला के लगाएँ और आप दोस्तों को दिखाएं। इसका ये है तरीके का, अब ये देखें आप, ये पूरी जगह हमारे पास हैगी। अभी यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ छोटे छोटे सेटअप लगे थे। ये आपको दिखाने का मतलब ये कि अभी हमारे पास बहुत है जगह, हमने जिसके हिसाब से ये काम करना है वर्क करना है। तो इसी तरह आप यहाँ पे ये सिर्फ पिंचे लगाएंगे, इसी तरह यहाँ पे ये डफ लगाएंगे, यहाँ कुछ जावाएं थी हमारे पास वो लगा दी हमने गेज खाली से। तो दोस्तों हमारा ये प्लान है आगे के लिए कि हम इसमें तरह तरह की मोटिशन है लगाएं, अच्छी मोटिशन है, एक एक बर्ड्स लेके आए ढूंढ के और उसको अपने सेटअप पे लगाएं। सेटअप से ये फ़ायदा है कि हमें आगे चल के हमें पता चलता है कि यार ये बर्ड्स हमारा अच्छा है, ये ब्रीड अच्छी कर रहा है, तो हम अपने ये हमने बहुत मुश्किल से सेटअप लगा रहे हैं और बहुत मेहनत से लगा रहे हैं, एक एक बर्ड जमा करके। अब इंशाल्लाह हमारे पास तमाम ब्रीड लाइनें जो हैं वो हमें पसंद आई हैं और अच्छी लगी हैं, तो हमारे पास लगती हैं, तो वो भी आप दोस्तों से शेयर करेंगे। देखें दोस्तों आपको सिर्फ बताने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह ताला हम वर्क कर रहे हैं। असल में दोस्तों पहले मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ था, माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड लाइन थी और बहुत अच्छा सेटअप चल रहा था। मैं बीच में बीमार हो गया था, तो वो मेरे सेटअप जो था बर्ड्स जो थे वो सारे मेरे डिस्टर्ब हो रहे थे, तो इस वजह से मुझे थोड़े से पैसों की भी ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने वो पूरा सेटअप बेच दिया। लेकिन ये गेज मेरे पास जो थे ना वो पुराने थे, उन्हीं सेटअप में से थे, तो मैंने गेज नहीं बेचे थे। दोस्तों आज अगर मैं काम स्टार्ट करा है ना मैंने, तो उन्हीं गेजों में करा है। इंशाल्लाह ताला वही हंडियाँ हैं मेरे पास जिनसे मैंने अभी दोबारा काम स्टार्ट लिया है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे सेटअप बढ़ता रहेगा नए तरीके से गेज भी लाएंगे हम, बॉक्स भी लाएंगे, हर चीज़ हम वर्क करेंगे। तो आपको ये है कि नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।